भीषण गर्मी और तपिश ने आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया था। पिछले कुछ दिनों से सूरज आग की तरह धधक रहा था। अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन तपिश 52 डिग्री सेल्सियस महसूस किया गया। ऐसे में मौसम में आए अचानक बदलाव से लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली। पिछले कई दिनों से गर्मी का मार झेल रहे शहरवासियों को बुधवार को राहत मिली, जब अचानक दोपहर 12 बजे के आसपास चली 48 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज़ हवाओं के साथ धूल भरी आंधी तथा बारिश भी होने लगी। करीब आधे घंटे तक हुई बारिश से नगरवासियों को राहत मिली और मौसम दिन भर सुहाना बना रहा। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज किया गया। मौसम के जानकारों का कहना है कि इसका पूर्वानुमान पहले ही बता दिया गया था। आने वाले समय में मौसम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा। देखिए, ऐसा है, ये कोई अचानक नहीं था। ये पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने प्रोजेक्शन ऑलरेडी कर रखा था कि आने वाले कुछ दिनों में हमें जो छोटा साइक्लोनिक प्रेशर कुछ इस तरह का यहाँ डेवलप हो सकता है, धूल भरी आंधी चलने की संभावना भी है, जिसके हम लोगों ने पहले कल भी इसका प्रोजेक्शन करके दिया भी था कि तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। तो आज उसी का ही एक प्रमाणित वो था कि जो एक छोटा सा इवेंट यहाँ मतलब जनपद में हुआ है, उस समय जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली है। और एक उसी मतलब चूँकि थोड़ा सा एक साइक्लोनिक स्टॉर्म था तो इसीलिए थोड़ी चक्रवाती वर्षा हुई है। तो ये एक पहले से ही पूर्व निर्धारित था और मौसम विभाग द्वारा इसके संबंध में सूचना भी प्रसारित की गई थी। मौसम से देखिए, टेम्परेचर तक नियर अबाउट 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हुआ है। दोपहर में हम लोगों ने जो टाइमिंग थी उस समय जब ये प्रेशर बना था तो 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, लेकिन अभी वर्तमान में जो टेम्परेचर हल्की बारिश वर्षा होने के बाद ये 37 डिग्री पे आ गया है। तो निश्चित तौर पे थोड़ी सी वर्षा होने की वजह से टेम्परेचर थोड़ा डाउनफॉल हुआ। इस तरह अभी ऐसा तो कुछ अभी रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, लेकिन आने वाले दिनों में थोड़ा सा अब ये जो बारिश हुई है, थोड़ी सी बारिश हुई है तो निश्चित तौर पे ये ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, थोड़ा अगर गर्मी भी थोड़ी और बढ़ेगी तो थोड़ा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है इस समय। थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि सर दर्द वगैरह होना और ये सारी चीज़ें होना थोड़ा सा रहता है, तो ये सब चीज़ें होने की संभावना है। लेकिन आने वाले दिनों में भी थोड़ी गर्मी का जो हम लोगों ने पहले महसूस किया वो अभी थोड़ी दिनों तक और कंटिन्यू रहने की संभावना है। मौसम में